किसानों के समर्थन में उतरी समाजवादी पार्टी के साथ मुरादाबाद कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर मौजूद सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने पार्लियामेंट के हालात देखे हैं, इस समय इतने बुरे हैं जो कभी नहीं हुए। जिस तरह की सांप्रदायिकता गलियों में दिखाई दे रही है, उसी तरह से पार्लियामेंट के लोग उसे लीड कर रहे हैं। सपा सांसद ने मंच से मुस्लिम ध्रुवीकरण का भाषण देते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इतने काले कानून ले आए हो जिसमें तुमने मुसलमानों की दिल हाजिरी न की गई हो, तुम आदि हो गए हो मुसलमानों की दिलाजरी करने के। सपा सांसद ने सरकार को कोसते हुए कहा कि ये सरकार गरीब विरोधी है। लॉकडाउन के दौरान इस सरकार ने गरीब मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल चला दिया और मोदी जी तुम्हारे 21वीं सदी के हिंदुस्तान 2 जून की रोटी के लिए गरीब तरस गया है। सपा सांसद ने प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए हमलावर मूड में कहा कि तुमने हिंदुस्तान को गिरवी रख दिया है। तुम कहते हो चीन ने कोई कब्जा नहीं किया, जबकि इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही मुसलमानों के हक की बात करती है, इसलिए देश की बागडोर अखिलेश यादव जी के हाथों में सौंपनी है, तभी जाकर देश सुरक्षित रह सकता है। शेर के साथ ये दौरे हयात आएगा कातिल कजा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। साथियों, में आप लोगों की दुआओं से और आपकी मेहनतों से मैं पार्लियामेंट में हूं और मैंने पार्लियामेंट के हालात देखे हैं, और जो हालात इस वक्त पार्लियामेंट के हैं शायद इससे पहले इससे बुरे हालात कभी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में नहीं हुए थे। जिस तरह से सांप्रदायिकता सड़कों पे और गलियों में दिखाई दे रही है, उसी तरह से पार्लियामेंट के लोग उसे लीड कर रहे हैं। साथियों, ये काले कानून आए, सही कहा हाजी ग्राम साहब ने, ये सीए आ गया, 3 तलाक आ गई, धारा 370 आ गई, उसको हटा दिया गया। मैंने पार्लियामेंट के अंदर, अगर आप लोगों ने मेरी सीए की स्पीच सुनी हो तो मैंने कहा था प्रधानमंत्री जी से कि मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई इस पार्लियामेंट में जिसमें मुसलमानों की दिल आजारी ना की गई हो। तुम आदि हो गए दिल आजारी करने के, तुम गरीबों की दिल आजारी करने के आदि हो गए हो। अब तुमने अपना डंडा किसानों के ऊपर चला दिया, किसानों के साथ जो ज्यादती हो रही है आम लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन हमें मालूम है। हमने पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी ने और आपके इस खादिम ने पुरजोर विरोध किया था इसका, अगर आप चाहें तो मेरी स्पीच सुन लेना। हमने इस बात को कहा था बाबर खान साहब कि किसान को बर्बाद करने की साजिशें हैं, आपने कॉरपोरेट और पूंजीपतियों के हाथ में इतना बड़ा सेक्टर दे दिया, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर खेती है, जब खेती बचा हुआ था इन लोगों से, आपने इनको उसके अंदर एंटर कर दिया और आपने इस बात की इजाजत दे दी कि जितना चाहे उतना स्टॉक कर लें, काला बाजारी की इजाजत दे दी आपने। जब ये कॉरपोरेट लोग हमारे FCI के तमाम गोदामों पर कब्जा करेंगे, उसके बाद ये आपका गेहूँ चावल दाने सबको स्टॉक करेंगे, तो वो गरीब आदमी जो दिन भर मेहनत करके 1-2 वक्त की रोटी के लिए 1 किलो आटा खरीद के अपने बच्चों के लिए घर जाता है, वो फसल के ऊपर 20-22 रुपए किलो आटा खरीदेगा और फसल के 3 महीने बाद वो 40-50 रुपए किलो आटा खरीदेगा। ये सिर्फ किसान विरोधी नहीं बल्कि गरीब विरोधी भी है। इसलिए साथियों, किसान की जमीन को ये एक्वायर करेंगे, इनके साथ एग्रीमेंट होंगे 15 साल तक के एग्रीमेंट होंगे। आज किसान जिस रेट पे एग्रीमेंट कर रहा है, 15 साल के बाद वो क्या रेट होंगे आपको मालूम है, किस किस हालात से गुजरेंगे। आपने इतना बड़ा एहसान मान रहे हैं इन पूंजीपतियों का, किसान आपको हजारों करोड़ रुपया चंदे में तो दे नहीं सकता, यही लोग चंदे में दे सकते हैं, तो कम से कम अल्लाह के वास्ते हमारे देश को मत बेचो। कब तक बेचोगे इस देश को, तुमने हर चीज बेच दी है, अब तुमने जमीन और खेती और किसान को भी बेच रहे हो। किसान मजबूर होगा अपनी ही जमीन में मजदूरी करने के लिए, एक वक्त वो भी आएगा। हम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया है, सिर्फ गरीब के मत लो। आपने देखा ये सरकार गरीबों के लिए कितनी संवेदनशील है, कितनी असंवेदनशील है। आपने देखा लॉकडाउन में क्या हुआ, आपने देखा वो गरीब मुरादाबाद कांट के इलाके से, एक आदमी बेंगलोर से, 8-10 लोग पैदल चल के आए, पैरों में छाले पड़ गए, जूते घिस गए तो उन्होंने पानी की बोतलें बांध दी अपने पैरों के अंदर, ये हम सबने देखा है। हमने देखा है एक गरीब माँ अपने 4 साल के बच्चे को ब्रीफ केस के ऊपर, पहियों वाली अटैची के ऊपर
बिठा के खेत के लिए चली जा रही है। हमने देखा है एक तरफ बैल लगा हुआ है तो एक तरफ इंसान लगा हुआ है, बीच में बच्चे बैठे हैं, और जब आदमी थक जाता था तो उसकी औरत उसको खींचती थी। ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान, मोदी जी तुम्हारे 21वीं सदी के हिंदुस्तान में हमने देखा है 2 जून की रोटी लिए हुए पटरियों पे चलते हुए वो गरीब जिनकी हमने रोटियां पटरी पे बिखरी भी देखी है और उनकी लाशों के टुकड़े देखे हैं। ये 21वीं सदी के में हिंदुस्तान को तुम कहाँ लेके जा रहे हो? तुम सिर्फ कारपोरेट और पूंजीपतियों की बात करते हो, तुमने उसके अलावा और कोई बात नहीं करी। तुमने हिंदुस्तान को गिरवी रखने की बात करी है, तुमने हिंदुस्तान को गिरवी रख दिया है। आज हमारी सीमाएं सेफ नहीं है। हमसे कहते हो कि एक इंच जमीन पे कब्जा नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि हिंदुस्तान की 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे चीन का इस वक्त कब्जा है। तुमने कौन सी सीमाएं सेफ करी हमारी? तुमने वहां पे भी सेफ्टी नहीं करी, सिर्फ बातें, सिर्फ जुमले और लोगों को धोखा देना। आखिर ये कब तक चलेगा? इसलिए साथियों आज समाजवादी पार्टी ने अंगड़ाई ली है, खड़े हो जाओ, इनकलाब ले आओ इस देश के अंदर और इन जालिम सरकारों को उखाड़ फेंको। सब एक हो जाओ मेरे दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी इस देश को लीड कर सकते हैं, क्योंकि वो सबका साथ लेके चलते हैं, सबका विकास करते हैं। समाजवादी पार्टी कोई मुसलमानों की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों के साथ इंसाफ करती है, उनके हक की बात करती है। हम सबके हक की बात करते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाया जाए और इस देश की बागडोर अखिलेश यादव जी के हाथों में पहुंचाएं। तभी सबको सुकून होगा और तभी सब लोग खुशी होंगे, देश खुशहाल होगा, हमारे सीमाएं सेफ होंगी और हिंदुस्तान आसमानों की बुलंदियों में पहुंचेगा। मैं इसी के साथ